श्रीराम समर्थ जनवरी 1। नाम ठीक परमात्मा स्वरूप ही है। नाम यानी भगवान का नाम। साधन की दृष्टि से भगवान के भिन्न भिन्न नामों में परस्पर कोई भेद नहीं है। नाम जीव और शिव के बीच की कड़ी है। नाम साधन है और नाम साध्य भी है। नाम सगुण है और निर्गुण भी है। नाम का आरंभ सगुण से है तो अंत निर्गुण में है। आरंभ सगुण से है यह कहने का कारण यह है कि भगवान मूलतः निर्गुण और निराकार है। वे जब सगुण हुए तभी उनके नाम और रूप बने। बाद में जब सगुण रूप तिरोहित हो गया तब भी नाम बच ही रहा, अतः वह निर्गुण भी है। अतः सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति, दोनों के लिए नाम ही आधार है। नाम सत्संग की नींव है और शिखर भी है। नाम हमारी वृत्ति और भगवान को जोड़ने वाली श्रृंखला ही है। विवाह के बाद पत्नी जैसे अपने पति के साथ एक रूप हो जाती है, वैसे ही वृत्ति का नाम से विवाह होकर उसे नाम रूप बन जाना चाहिए। नाम अत्यंत सूक्ष्म है और वृत्ति भी सूक्ष्म है, अतः नाम जपने से वृत्ति में सुधार होगा। वृत्ति में सुधार होने से चित्त शांत होगा। चित्त शांत होने पर निष्ठा निर्माण होगी। इन सब का भावार्थ एक ही है। अन्न में अपना एक स्वाद होता है। हम उसमें अपनी मिठास और अपनी रुचि के व्यंजन मिलाकर खाते हैं, किंतु नाम में अपना कोई स्वाद नहीं होता। उसमें हमें ही अपनी मिठास डालकर जपना चाहिए। हम उसमें जितनी अधिक मिठास डालेंगे उतना ही वह हमें अधिक मीठा लगेगा। पंढरपुर जाने के अनेक रास्ते हैं, किंतु अंत में सबको बारी बारी से जाकर ही भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार अन्य साधन चाहे जो करो, फिर भी नाम जपने के साधन से ही आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। हम नाम जपे, उसे हम अपने कानों से सुने और उसे जपते जपते उसमें अपने को भूल जाए, यही नाम साधना है। इसी के अंतर्गत आनंद का मार्ग है। जैसे हमारा अपनापन हमारे नाम में है, वैसे ही भगवान की भगवत सत्ता उसके नाम में है। हम आज जो नाम जपते हैं वही नाम अंत तक बना रहता है, किंतु हमारी देह बुद्धि जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे नाम अधिकाधिक व्यापक और अर्थगर्भ बनता जाता है, और अंत में ऐसा अनुभव होता है कि नाम परमात्मा स्वरूप ही है। पानी जैसे शरीर के लिए जीवन है, वैसे ही नाम मन के लिए जीवन बन जाना चाहिए। अंत में आखिरी क्षण को हमारे मुंह से भगवान का नाम ही निकलना चाहिए। नाम जपते जपते ही हमारी अंतिम सांस बंद होनी चाहिए। आज का मुख्य विचार, नाम जपने में आनंद के सिवाय और कुछ नहीं है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।